डी ये स्टूडेंट्स हैजेड असमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम डिस्कस करने लगे हैं और इसमें जिस चीज को फोकस बनाना है वो है फायर डेंजर टू ह्यूमन कि जो फायर है वो इंसानों के लिए किस तरह डेंजर्स का बायस बन रही है डायरेक्ट कंटेक्ट विद फ्लेम इज ऑबियसली डेंजरस टू ह्यूम अगर आप डायरेक्ट आग को एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी के साथ तो ये बहुत डेंजरस है फ्लैश बर्न्स एज डू मसल्स एंड इंटरनल ये आपके ऑर्गन को जला देती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बायस बन सकती है ट्वेंटी परसेंट बाकी फंक्शन कर रहे हैं वो चीजें अंदर हमारे जिसमें चल रही होती है मेजर काज ऑफ डेथ इन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फायद है आर्गनाइजेशन के अंदर अगर हो जाती है तो क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन बॉडी के लिए वो कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है आपको मालूम है कि जब आपके ऑर्गन के ऊपर उसका इम्पेक्ट होगा और एक स्पेसिफिक लेवल से ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली तो अल्टीमेटली आप डेंजर की जोन में आ जाएंगे और वो चीज़ें डेथ का बायस बन सकती हैं फायर डेंजर टू ह्यूमंस ये पिक्टोरियल इफेक्ट ये स्टूडेंट्स देखें हेल्थ हैजर्ड्स फायर हैजर्ड्स रिएक्टिविटी specific Hazards, acid alkali corrosive oxidizer ye jitne bhi mukhtalif chemicals hain unki baat ki gayi slightly hazards hazards extreme danger deadly health hazards flash points below 73 below 100 between 100 to 200 about 200 will not burn अब जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे इन सब चीज़ों में जो चीज़ बताने की कोशिश की गई है वो ये है कि जो फॉयल है वो किस तरह इंसान के लिए डेंजर है अगर ये फायर एक लेवल से नीचे रहती है तो डेंजर नहीं है अगर बिटवीन है तो आपको ये हीट देगी उससे ज्यादा है तो ये नुकसान दे डिटेक्शन ऑफ फायर हैजर्ड्स थर्मल एक्सपेंशन डिटेक्टर सच एज हीट सेंसिटिव मैटर लिंक दैट मेल्ट एट देशर टू मेक कंट्रैक्ट अल्टीमेटली साउंड एंड अलार्म ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं अगर एक स्पेसिफिक हीट लेवल से आप ऊपर मूव करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन इन यूरोपियन कंट्रीज एंड यूनाइटेड किंगडम जब आपके किचन में स्मोक राइज होके ऊपर स्मोक डिटेक्टर तक पहुंचता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है क्यों ताकि वो एक इंडिकेशन है कि देर इज समिंग रॉन्ग इन रूम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेवल क्रॉस हो जाता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आर्गेनाइजेशन को उस चीज़ के लिए एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि नो देर इज नीड फॉर सम इम्प्रूवमेंट नो देर इज़ नीड फॉर सम एंड मेक कोरेक्टिव एक्शन

या कोई चीज़ आपने आउट बाहर निकालनी है अब देखा यह गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप लोग इनहेल कर रहे हैं कोई चीज़ या सांस ले रहे हैं या सांस बाहर निकाल रहे हैं अगर वो चीज़ें हाइजैनिक हैं तो दैट इज़ गुड अगर हाइजैनिक नहीं है स्मोक है डस्ट है पार्टिकल्स हैं तो ये चीज़ें इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं इसलिए इनको कंट्रोल करना और डिटेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिडक्शन ऑफ फायर हैजट्स फायर मे आल्सो प्रिवेंटेड बाय द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स शुड बी स्टोर्ड एज फॉलो अगर आप लिक्विड्स को सही स्टोर करें तो आग से बचा जा सकता है इन फ्लेम रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल वर्क फ्लेम स्टोरेज बिल्डिंग्स अलहदा बनाई जाती हैं जो लोग काम करते हैं उनको अलहदा रखा जाता है ताकि उन चीज़ों से बचा जा सके उन पर लिखा जा सकता है दीज आर हाईली फ्लेमेबल आइटम्स तो इनको आप लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन टैंक बिलो ग्राउंड लेवल अक्सर आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के अंदर जो टैंक हैं उनके अंदर पेट्रोल डीजल ये चीजें रखा जाता है क्यों ताकि वहां पर उस चीज को फिर कंट्रोल किया जा सकता है सुपरवाइज किया जा सकता है ऑन द फर्थ फ्लोर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन फर्स्ट फ्लोर पहली फ्लोर के ऊपर इन चीजों को चेक किया जाता है और उनको डील किया जाता है सेवरल इजनेशन सोर्स कैन बी एलिमिनेटेड आर आइसोलेटेड फ्रॉम फ्यूल्स कैसे नंबर स्मोकिंग नियर एनी पॉसिबल फ्यूल किसी फ्यूल के नज़दीक स्मोकिंग को अलाउ नहीं किया जाता स्टोर फ्यूल्स अवे फ्राम इलेक्ट्रिकल स्पार्क फ्राम इक्विपमेंट वायरिंग और लाइटिंग में अकर चांसेस है कि वहां पर स्पार्क हो सकता है इलेक्ट्रिकल फ्यूल पेट्रोल डीजल या इस तरह की चीज़ें जो हाईली इंफ्लेमेबल हैं जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं उनको लहदा रखा जाता है अब यहाँ पे जो इसका लास्ट एस्पेक्ट है इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ स्ट्रेटजीज हैं देर आर समटजीज फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फायर आर एज फॉलोस अगर आप चाहते हैं कि फायर को कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाए या फायर कम हो जाए या फायर ना लगे तो ये स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी नंबर वन अप स्पिल्स ऑफ फ्लेमेबल एज सुन एज दे अकर अक् जब ये लिक्विड अक्र हो उसी वक्त इसको सफाई कर ले वहाँ पे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ मटीरियल यूज एंड क्लीन अप जो मटेरियल यूज हुआ है सफाई में पेट्रोल डीजल की सफाई में ग्रीस में जो भी इसको प्रॉपर वेस्ट करें की वर्क एजियल फ्राम एक्स्ट्रा सप्लाईज फ्लेमेबल मटेरियल वो चीज़ जो आग पकड़ सकती है उसको नीट एंड क्लीन रखें डोंट यूज स्पार्क का फ्रिक्शन प्रोन टूल्स नियर कम्प्यूसि मटेरियल कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पार्क पकड़ सकती है उसको इस तरह के मटेरियल जो आग वाला है उसके पास मत रखें और लास्ट रूटीनली टेस्ट फायर एक, एक्सटिंग जिन डिवाइस की मदद से आग को बुझाया जाता है उनको प्रॉपर चेक करें प्रॉपर हालत में रखें ताकि अगर कोई सर्टन सिचुएशन पैदा हो जाए तो आप उसको कंट्रोल कर सकें